So finally guys, Mi Band 7 is now launched and it is officially launched. Abha itna excited hai, like group mein pura excitement bhar gaya tha. Sab pooch rahe the kab launch hoga, nahi launch hoga. Live event ko bhi leke khub maza aa raha tha. But phir bhi Mi Band 7 mein is baar utna zyada aesthetically change nahi kiya gaya hai, but then also internally काफ़ी चीज़ें बदल दी गई हैं और कुछ नेक्स्ट लेवल फिटनेस की चीज़ें प्रोवाइड की गई है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर सामने से देखोगे तो कोई ज़्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, Mi Band 6 की तरह एकदम सेम टू सेम कैप्सूल वाला डिज़ाइन है। और कल मैंने पोल डाला था, पूछा आप सबसे कि लाइक आपको कैप्सूल डिज़ाइन पसंद है या फिर रेक्टेंगुलर वाला पसंद है। लोगों ने बोला कैप्सूल डिज़ाइन बदल दो, बट यार ट्रेडिशनल Mi Band का लाइक सिग्नेचर डिज़ाइन है वो कैप्सूल वाला, तो मेरे को नहीं लगता उसको बदलेंगे। बट फिर भी मेरे को मस्त लग रहा है। स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, 1.67 इंचेस का कर दिया है, जो थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें PPI भी ज़्यादा है, 326 PPI, और रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा बेटर कर दिया गया है इस बार। बट डिस्प्ले में यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। आपको वॉच फेसेस तो काफ़ी सारे नए नए तरीके देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप विजेट्स वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हो। बट इस बार हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के यहाँ पे कुछ वॉच फेसेस है जो बहुत ही मस्त लग रहे हैं देखने में। प्लस एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो UI है, पूरा यूजर इंटरफेस, उसको पूरा कस्टमाइज करके Redmi Watch 2 की तरह कर दिया गया है, और आपको काफ़ी हद तक स्मार्ट वॉच टाइप वाली फील आएगी, क्योंकि आइकन्स वगैरह काफ़ी वेल पॉलिश्ड है और देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है। प्लस जो मार्स वाला वॉलपेपर था ना, जो Mi Band 6 में हम अलग से जुगाड़ लगा के डाल रहे थे, वो इस बार ऑफिशियली Xiaomi ने बोला है मार्स वॉलपेपर और डाल दिया है। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर गई, और हमारे ग्रुप मेंबर में भी बहुत लोग बोल रहे थे कि यार स्ट्रैप में ना डार्क रेड वाला जो कलर था इनका, उनको हटा दिया है लाइक। तो वो मेरे को भी पर्सनली अच्छा लगता था, और हटा दिया है यहाँ पे। बट यार दो नए स्ट्रैप्स इस बार इंट्रोड्यूस करे इन्होंने, जो स्पोर्ट्स वाले हैं, थोड़े अलग टाइप के लग रहे हैं देखने में, बट यार फिर भी रेड क्यों हटाया। वैसे अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो आप नीचे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं वहाँ पे। वेल ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी नॉर्मल है, लाइक पहले भी थी, कुछ ज़्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है। बट स्पोर्ट्स मोड्स में इस बार हमें 120 स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिल रहे हैं, और बट नंबर तो अलग चीज़ है, मतलब नंबर तो बढ़ा देंगे 120, 160, 110, 200। बट इस बार इंटरनली स्पोर्ट्स मोड्स में कुछ ज़बरदस्त नए चेंजेस हैं, जैसे कि इस बार हमें मैक्सिमम एरोबिक लेवल का लाइव डेटा देखने को मिलेगा। ये सुनने में काफ़ी नॉर्मल सा लगता है, बट ये काफ़ी चीज़ों में हमें गाइड कर सकता है। जैसे कि जब भी कभी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमें नोटिफाई करेगा कि आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो अपने लेवल्स को पार करके, तो आपका रिकवरी टाइम काफ़ी बढ़ जाएगी, तो यहाँ तक रुक जाओ। तो ये काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पे, और ये सैमसंग वाले वॉचेस में देखने को मिलता है, प्लस एप्पल वॉचेस में, वो इस बार Mi Band में डाल दिया है। दूसरी चीज़ है कि इस बार हमें रेस्ट और रिकवरी टाइम का एक अलग से मोड मिल जा रहा है, जो ऑटोमेटिकली सेंस करके हमें बताएगा कि हमारा रिकवरी टाइम कितना होने वाला है, और उसके बाद हमें दोबारा से एक्सरसाइज करना है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टाइप्स लगी कि आपको फैट लूज करना है या फिर फैट गेन करना है, एज इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली आपके हार्ट रेट को सेंस करके, फ्लैक्चुएशन को मेजर करके आपको बताएगा कि लाइक आपको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए इतना लिमिट में, तो आप फैट लूज करोगे, और आपको कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए तो फैट गेन करोगे। अभी उतना प्रैक्टिकली मेरे को नहीं लगता कि वर्किंग रहेगा, बट फिर भी ट्राई करेंगे इसको आने के बाद। अब एक चीज़ और यहाँ पे जो काफ़ी नई है, ये स्ट्रावा से काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ इंस्पायर्ड है, या फिर कॉपीड बोल सकते हो डायरेक्टली, तो जो लोग स्ट्रावा यूज़ करते हैं उनको ये फीचर समझ में आएगा। इन्होंने एक अपना नया स्पोर्ट्स मोड का सेंटर इंट्रोड्यूस करा है, जहाँ पे वाइटैलिटी कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो जो Mi Band 7 यूज़ करते हैं, और आप साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा लाइक स्कोर जनरेट करके कि उन्होंने कितना कंप्लीट कर लिया, आपने कितना कंप्लीट करा है, आप जीत रहे हो या फिर हार रहे हो। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल टाइप्स हो जाएगा कि हाँ चलो वो कर रहा है बंदा, मैं भी करूँगा, और थोड़ा फन वे में भी आप स्पोर्ट्स को ले पाओगे और एक्सरसाइज वगैरह कर पाओगे। अब एक लास्ट चीज़ है स्पोर्ट्स बोर्ड्स को लेकर के, कि इसमें आपको 4 स्विमिंग के स्टाइल्स इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन मिल जाते हैं, जो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा स्विमिंग मोड में कि आप किस तरह के डाइव मार रहे हो या फिर स्कूप कर रहे हो, जो अलग अलग तरह के स्विमिंग्स होते हैं ना, वो सभी डिटेक्ट करके आपको बता देगा। अब लास्ट जो इम्प्रूवमेंट है वो है आपको 15 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो Mi Band में बैटरी बैकअप की कोई कंप्लेंट नहीं है वैसे, मतलब थी, बट इस बार हो सकता है थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव हो गया होगा, बट लोग ट्वीक वीक लगा के कर ही लेते हैं आराम से। और ग्रुप में तो भाई बंदों ने बहुत सारे जुगाड़ लगा रखे हैं, लाइक 45 दिन तक Mi Band को खींचा है लोगों ने। ऑल राइट, तो ये सारे अपडेट्स थे जो Mi Band 7 के लॉन्च इवेंट में मुझे देखने को मिले। भाई चाइनीज में सारी चीज़ें हो रही थी, बट मैंने ट्रांसलेट यूज़ कर करके सबको ट्रांसलेट करा इंग्लिश में, और फिर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये अपडेट मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का लगा, Mi Band 7 को लेकर मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कब लॉन्च होता है अब ग्लोबली के बाद फिर इंडिया में। वैसे यहाँ पे दो वेरियंट्स, एक NFC वाला वेरियंट और एक नॉर्मल वाला वेरियंट है। तो प्राइसिंग की बात करें तो चाइना में लॉन्च हुआ है 2800 रुपये में, जो नॉर्मल वाला वेरियंट है, बेस वेरियंट जिसमें NFC नहीं प्रेजेंट है, और आपको 3400 रुपये के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है NFC वाला वेरिएंट। तो इंडिया में हो सकता है कि 3500 में इस बार लॉन्च करा था, इस बार 4000 रुपये में लॉन्च करेंगे,
बट ऐसा हो ना, बट कर भी सकते, कोई गारंटी नहीं है इनका यहाँ पे। सो गाइज मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, आप हो कि नहीं मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर के। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो को चेकआउट करो और देखो कि मैंने अभी अपने जस्ट लैपटॉप का थंबनेल पेज बदला है, और लाइक मतलब मजा आ गया बदलने में। आप भी देखो मेरे क्या क्या चीज़ करी है उस पर्टिकुलर वीडियो में लैपटॉप को खोल करके। और जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। पीस आउट।